हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आफरीन खान और आपको पता है कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं 11th की। हमने दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, दैट इज बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। आज हम तीसरे चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है काइनेमैटिक्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला लेक्चर है काइनेमैटिक्स का। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि काइनेमैटिक्स में पढ़ते क्या हैं। क्या पढ़ते हैं हम काइनेमैटिक्स में? हम करते हैं स्टडी ऑफ मोशन के बारे में। क्या करते हैं? मोशन की स्टडी करते हैं हम, ठीक है। मोशन मतलब जैसे कि डिस्टेंस के बारे में जानेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे, स्पीड के बारे में जानेंगे, ठीक है, और वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में, इन सब के बारे में कुछ कुछ चीज़ें हम जानेंगे। लेकिन हम किसके बारे में नहीं पढ़ते हैं? हम वी विल स्टडी द मोशन विदाउट स्टडिंग द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन, कॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। जैसे कि फोर्स, फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन, तो इसके बारे में भी हम स्टडी नहीं करेंगे। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे, इसके साथ हम आगे के चैप्टर में डील करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है कि क्या होता है डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? क्या होता है भैया डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है सबको पता होगा, लेकिन मैं बताऊंगी। मैंने बोला अगर दो पॉइंट हैं और आप ऐसे 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 करके कुछ इस पॉइंट तक गए हो, इस ए पॉइंट से स्टार्ट होकर आप बी पॉइंट पे ऐसे गए हो, तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ। टोटल लेंथ जो इस पाथ की होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस होता है टोटल लेंथ ऑफ पाथ। स्केलर होता है, सबको पता है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूंगी डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलूंगी मैं बोलूंगी डिस्प्लेसमेंट। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ हम मैग्नीट्यूड पे से डील नहीं करेंगे, हम डायरेक्शन से भी डील कर रहे होंगे। तो मैंने बोला यदि मेरा ए पॉइंट है ये और यदि मेरा बी पॉइंट है और इसमें एक बंदा डिंग 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 ऐसे करके कुछ चल रहा है और मुझसे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से लेकर बी के बीच के बीच, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो मैं देखूंगी सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है हमें, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से मतलब होता है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये मेरा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट लेंथ से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाएगा? पूरा लेंथ ऑफ द पाथ, ये मेरा डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? आ रही है। तो हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। आती है बात समझ में? ठीक। छोटे छोटे टर्म्स हैं, अभी हम बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं इसमें, ठीक है, बेसिक्स बता रहे हैं आपको इसके, ठीक है। तीसरी चीज आती है इसमें स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड की जब भी मैं बात करूंगी तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रैवल इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम मतलब डिस्टेंस बाय टाइम अगर कर दोगे, ठीक है, तो क्या निकल आएगा? पाथ की स्पीड आएगी। टोटल डिस्टेंस नापो और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो तो वो क्या आ जाएगी? आपकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन स्पीड दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक, एक होती है एवरेज स्पीड और एक आपकी होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है कि देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो मतलब होता है कि हम किसी इंस्टेंट पे स्पीड की बात कर रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम स्पीड की बात कर रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर क्षण पे जब हम स्पीड की बात कर रहे होंगे, तो हम कैसी स्पीड की बात कर रहे होंगे? हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे होंगे। इसका मतलब हम बहुत ही छोटे से डिस्टेंस की स्पीड की बात कर रहे हैं ना। हमने बोला कि एवरेज स्पीड अगर लोगे तो मान लो ये एक पोजिशन ए है, ठीक है, और ये एक पोजिशन बी है, ठीक है। मैंने बोला ये डिस्टेंस है टोटल 200 मीटर, ठीक है, और इसे चलने में टाइम लगा है 3 सेकंड्स का,
ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 200 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर दो मैम, तो एवरेज स्पीड निकल आएगी। एवरेज स्पीड क्या करते हैं हम, एक पूरे टोटल लेंथ के लिए निकालते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या निकालेंगे हम, बोलेंगे कि मान लीजिए ये 200 मीटर चलने के बाद ये क्या करता है, थोड़ा सा और कैसे चलता है, डीएस डिस्टेंस चलता है। ठीक है, डीएस डिस्टेंस चलता है। ठीक है, तो मैंने बोला डीएस डिस्टेंस को चलने में से डीटी टाइम लगा होगा, लगा होगा। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड अगर लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, डीएस छोटा सा डिस्टेंस अपॉन में छोटा सा टाइम। क्या करोगे, छोटा सा डिस्टेंस अपॉन में छोटा सा टाइम। एवरेज स्पीड क्या होती है, ये बड़ा सा डिस्टेंस अपॉन में बड़ा सा टाइम। ठीक है, इसे डेल से बुलाते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी, इसे डीएस अपॉन डीटी, छोटा छोटा डिस्टेंस। ठीक है, आती है बात समझ में, अपॉन में छोटा सा टाइम लेते हैं हम, तो उससे क्या निकल के आती है हमारी, हमारी निकल के आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर इंस्टेंस पे अगर हम स्पीड की बात करें, हर एक छोटे छोटे क्षण पे हम स्पीड की बात करें, तो वो हमारी कैसी कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी से डील कर रहे होते हैं, वेलोसिटी से अगर हम डील करेंगे, वेलोसिटी से अगर भाई तुम डील करोगे तो क्या होती है, इसी तरीके से वेलोसिटी भी दो तरीके से आ जाती है। कैसे आती है, एक हमारी आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, जब हम बड़े टाइम इंटरवल में वेलोसिटी की बात करते हैं, और एक हमारी क्या आ जाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब छोटे से डिस्प्लेसमेंट में हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बड़ा सा टाइम। ठीक, जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करोगे तो आप लिखोगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में छोटा सा टाइम। आती है ये बात समझ में आप लोगों, आ जाती। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटी छोटी सी बातें थी कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, इन सब चीजों के बीच में आपको अंतर बताना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे हम और देखेंगे। मैंने बोला ये एक पॉइंट है, ये टाइम टी बराबर जीरो, टाइम टी बराबर वन, टाइम टी बराबर थ्री सेकेंड्स। ठीक है, यहां पे ये मूव करता है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पे ये मूव करता है 3 मीटर पर सेकेंड की यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, कहां से, टाइम टी बराबर वन से लेकर टी बराबर थ्री तक, कितने से, 3 मीटर पर सेकेंड, और जीरो से लेकर वन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अब मुझसे पूछे कोई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड पूछे बिटवीन टी बराबर जीरो टू टी बराबर थ्री सेकेंड, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? आपने बोला एवरेज स्पीड मैडम होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम, यही होता है? हमने बोला हाँ होता है। मैंने बोला तो निकालो, मैंने बोला ठीक है निकाल लेते हैं। मैंने बोला इनके बीच का टोटल डिस्टेंस बताओ कितना है, टी बराबर जीरो से टी बराबर वन तक। मैंने बोला स्पीड दी है, टाइम दिया है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक, यहां का डिस्टेंस आ गया, प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, थ्री इंटू कितना टाइम है, यहां पर कितना सेकेंड लगा है, 2 सेकेंड लगा है यहां पर टोटल, तो यहां पर 2। ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम कितना है पूरा, 3 सेकेंड्स का हमने पुट कर दिया, हमने लिखा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो हमारी एवरेज स्पीड इसमें से निकल कर आ जाती है। आती है बात समझ में, देखो। ठीक है, आगे चलें हम, चलो। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक से सवाल आते हैं इनके ऊपर, वो सवाल करने आना चाहिए आपको, फंडामेंटल्स नहीं है तो सवाल नहीं होंगे। मैंने बोला ये टी बराबर जीरो पे पार्टिकल यहां था, टी बराबर वन पे यहां आया, और टी बराबर टू पे यहां पे आ गया, यहां पे ये चला है 4 मीटर कितने में, 1 सेकेंड में। ठीक है, ऐसे चलता है पहले, फिर चलता है 3 मीटर कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ऊपर की तरफ चलता है ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताए, एवरेज स्पीड बताइए, तो आप बोलोगे मैम टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस
अपॉन में टोटल टाइम कर दीजिए, तो मैंने बोला कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस बताइए, आप बोलेंगे 4 मीटर प्लस ऑफ 3 मीटर अपॉन में टोटल टाइम कितना है, आपने बोला 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, मैंने बोला ये आ गया। ठीक, ये इनिशियल पोजीशन यहां से चालू हुई थी t बराबर 0 से, दिखता है सबको। अब मुझसे कोई पूछ ले एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताओ, कैसे बताओगे? आप बोलोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट रखने का है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन की सबसे के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? मैंने बोला इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन जोड़िए, ये रही, तो आपको ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? आपने बोला ये 4, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये 4 है, ये 3 है, तो इसको क्या करोगे आप? पाइथागोरस लगाओगे, 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर, ये आपका आ जाता है 5। नहीं आता है तो करके देखना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका? 5 अपॉन में टोटल टाइम कितना था? अभी भी 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 5/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। आती है ये बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये सवाल। आगे बढ़ेंगे हम, एक चीज देखेंगे और। ठीक है, अगर आपको इस तरह का सवाल दिया जाएगा, एक्स एक्सिस है या आपकी वाई एक्सिस है, अब आपको इसमें इस सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि ओपी वेक्टर बताओ, ओपी वेक्टर बताओ, तो कैसे बताना होता है इस सवालों में? आप लिखते हैं यहां पे इस सवाल में आपका जो ओपी वेक्टर होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है एम एम ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर प्लस एन प्लस एन ओ ए वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन के बराबर होता है। सेक्शन फॉर्मूला होता है ये एक तरीके का। ठीक है जी, उससे हम निकालते हैं। कैसे हमने निकाला? हमने बोला ओपी वेक्टर बीच वाला चाहिए था हमें, हमने कैसे निकाला? हमने लिखा एम ये वाला इंटू ओबी वेक्टर प्लस एन इंटू ओ ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस ऑफ एन। आती है बात समझ में? जैसे कि अगर आपको एक सवाल देंगे हम, तो हमने बोला ठीक ये कुछ इस तरह का सवाल है, मैंने बोला ये आपका O है, ये है P, ये आपका A है, ये है आपका B, ठीक है, ये आपका 3:1 के रेशियो में अगर डिवाइडेड है, ये आपका 5 यूनिट्स दिया है, ये आपका 3 यूनिट्स दिया है। अगर ये दिया है और आपका OP वेक्टर मांगा है, तो ओपी वेक्टर यहां पे आपका कैसे लिखने का आएगा? ओपी वेक्टर आप लिखोगे 3 × 5 प्लस 1 × 3 अपॉन में 3 + 1। ठीक, कुछ सवाल कभी कभी आ जाते हैं इस तरीके के सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड, इसमें तो मैंने आपको करना सिखाया इस तरीके का एक सवाल, देख लो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे थोड़ा सा ग्राफ्स वगैरह के बारे में। तो हमने बोला ये मान लीजिए एक एक्सटी ग्राफ दिया है पार्टिकल का, एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मैंने बोला पार्टिकल कुछ यूं मूव कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, ये टी बराबर 1 सेकेंड्स पे है और ये है टी बराबर 3 सेकेंड्स पे। ठीक है, इससे कोई मुझसे बोले कि बताओ पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा है, पाथ ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का पाथ मुझसे पूछे, तो कैसे बताऊंगी मैं इस ग्राफ को देखकर? कैसे रीड करते हैं ग्राफ, देखिए हम बताते हैं आपको। मैंने बोला t बराबर 0 यहां पे होगा, मैंने बोला t बराबर 0 पे पार्टिकल की पोजीशन, ये xt ग्राफ क्या दिखाता है कि अगर एक स्केल बना हुआ है तो उस समय पार्टिकल नंबर 1 पे खड़ा है कि नंबर 2 पे खड़ा है कि नंबर 3 पे खड़ा है, ये दर्शाता है हमें। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, तो मैंने बोला t बराबर 0 पे पार्टिकल 3 पे खड़ा था, ठीक, बड़े बड़े बड़े, t बराबर 1 सेकंड पे आए तब भी पार्टिकल किस पे खड़ा था?
तीन पे खड़ा था, आगे बढ़े हम तब भी पार्टिकल तीन पे ही खड़ा था, फिर आगे बढ़े तो भी पार्टिकल तीन पे खड़ा था, समय बीता तब भी पार्टिकल तीन पे, तीन सेकंड पे आए तो भी पार्टिकल तीन पे ही खड़ा था। क्या हर बार पार्टिकल स्केल पे 3 मीटर पे ही खड़ा था, तीन वाले पॉइंट पर ही पार्टिकल खड़ा था? तो मैंने बोला पार्टिकल तो चला ही नहीं है, पार्टिकल तो चला ही नहीं है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? आप बोलेंगे पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल इज एट रेस्ट, चला ही नहीं वो, वो तो 3 मीटर पे खड़ा था और 3 मीटर पे ही खड़ा रह गया तो चला ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे पाथ ऑफ द पार्टिकल बनेगा कहां? हमने बोला वो रेस्ट पे था। आती है बात समझ में? रीड करना आता आपको? आ जाता है, नहीं आता है तो और क्वेश्चन करेंगे तो आएगा। मैंने बोला ये एक्सटी ग्राफ दिया है आपको भैया, ठीक, ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है 2 मीटर, ये आपको दिया है 5 मीटर, ठीक है, ये आपको दिया है 1.5 सेकेंड्स और ये आपको दिया है 3 सेकेंड्स, ठीक ठीक 3 सेकेंड्स तक। अब सबसे पहले ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। कैसे रीड करना आना चाहिए? मैंने बोला टाइम टी बराबर 0 पे, अगर ये एक स्केल अगर मैं बना रही हूं, ठीक है, ये कैसे चालू हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैंने बोला टाइम टी बराबर 0 पे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर नहीं है, टाइम टी बराबर 0 पे पार्टिकल 2 मीटर वाले पॉइंट पे खड़ा है, यहां पे पार्टिकल खड़ा है, ठीक है जी। अभी मूव करता है, यहां से आगे ये मूव करना चालू होता है, ये बात समझ में आती है आपको? आ जाती है, ठीक है। तो ग्राफ अच्छे से रीड कीजिएगा। अगर आपसे कोई बोले इस ग्राफ को देखे कि बताओ एवरेज वेलोसिटी बताइए आप, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, तो आप बोलेंगे मैम एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? आपने बोला 2 मीटर पे था इनिशियली और फाइनली किस पे पहुंच गया, 5 मीटर पे पहुंच गया। दोनों के बीच की टोटल डिस्प्लेसमेंट हम कैसे देखेंगे? ये वाला पाथ देखेंगे नहीं, हम क्या बोलेंगे सबसे छोटी दूरी ये वाली है वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 5 - 2 = 3, ठीक है, अपॉन में टोटल टाइम टेकन 3 सेकेंड्स तक हमें बताना था, हमने बोला 3, कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत प्रेम से करिएगा कि आपको ये समझ में आए कि आपको एवरेज स्पीड की बात पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी की बात पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। अगर कोई हमसे पूछ ले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट टी बराबर 1.5 सेकेंड्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ऑब्वियसली किसी वक्त पे ही पूछेगा, किसी इंस्टेंट की बात करेगा, अभी कितने इंस्टेंट की बात किया है, किस इंस्टेंस की बात किया है, आपने बोला ये वाले जो इंस्टेंस है 1.5 सेकेंड, यहां पे हमसे पूछता है कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते थे, हम करते थे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में छोटा सा टाइम लेते थे, ds upon dt क्या होता है 10 थीटा के बराबर ही होता है कि नहीं होता है, इस ग्राफ के स्लोप के बराबर ही होगा ds upon dt। यहां से अगर ds को आप यहां से dx upon dt लिख सक लो, dx upon dt लिख लो भैया, x के टर्म में दिया है तो x लिख लो, तो क्या इस ग्राफ का स्लोप ही दर्शा रहा होगा? बिल्कुल दर्शा रहा होगा। मैंने बोला यहां पे ये स्लोप ही तो आएगा, ये छोटा सा, तो टोटल स्लोप कैसे निकालोगे? मैंने बोला कहीं से भी निकालो एक ही बात है, ये स्लोप आएगा, कैसे आएगा आपका? मैंने बोला ये कितना है 5 - 2, कितना आया आपका 3 डिवाइडेड बाय 3, कितना है आपका 1 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखना कि हर पॉइंट पे आप देखना स्लोप सेम है, हर पॉइंट पे देखना स्लोप कहीं से भी लोगे सेम आएगा कि नहीं आएगा। यदि हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक बात नोट कर लो, यदि हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी इसमें, 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, क्यों? क्योंकि स्लोप पूरे में सेम जा रहा है, तो हर पॉइंट पे यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम आती है तो एवरेज वेलोसिटी भी उसके बराबर ही आएगी, आ रही है कि नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, ठीक। आती है बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, देखो एक बार, ठीक, आगे मूव करेंगे और कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल आते हैं इसमें वो देखेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपको ग्राफ कुछ यूं दिया हुआ है, ये क्या है आपका एक्सटी ग्राफ है,
ठीक है, अभी दो पॉइंट दिए हुए हैं स्पीडिंग अप. अब ये बोल रहा है कि बताओ ये स्पीडिंग अप का ग्राफ है, वेलोसिटी बढ़ रही है इस ग्राफ में, कि ग्राफ को देखकर कैसे बता सकते हो कि वेलोसिटी बढ़ रही है कि वेलोसिटी घट रही है, कैसे बताओगे? हमने बोला कुछ तो करेंगे, हम बताएंगे कुछ तो. हमने बोला दो पॉइंट ले लो, मैंने बोला एक पॉइंट यहां ले लो, ऐसे करो दूसरे पेन से ले लो, मैंने बोला एक पॉइंट यहां ले लीजिए और एक पॉइंट यहां ले लीजिए, और दोनों पॉइंट पे क्या बनाइए आप, टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट बनाइए, टेंजेंट बनाइए, और स्लोप निकालिए, स्लोप निकालिए थीटा. ये आपका थीटा वन है और ये आपका थीटा टू है. कैसे बताते हैं स्पीडिंग अप है ग्राफ की स्पीडिंग डाउन है, उसका तरीका मैं आपको बता रही हूं. तो मैंने बोला अगर आप ग्राफ को देखोगे, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो आप बता सकते हो कि थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन. ये है कि नहीं? यहां पे स्लोप ज्यादा है, यहां पे आपका थीटा वन ज्यादा है, यहां पे थीटा टू कम है. इसका मतलब टेन थीटा टू विल बी ग्रेटर देन टेन ऑफ थीटा वन. ठीक है, और टेन थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? डीएक्स अपॉन डी टी. डीएक्स अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है? वन. टू इज ग्रेटर देन डीएक्स अपॉन डी टी वन. ठीक है, मतलब ये dx upon dt क्या होता है? वेलोसिटी एट टू इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट वन. ठीक है, तो इसका मतलब इस पोर्शन की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है. कहां से? इस वाले पोर्शन की वेलोसिटी से, है कि नहीं? आप देखोगे तो जैसे जैसे ऊपर मूव कर रहा है स्लोप बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे स्लोप बढ़ता जाएगा आप बोलोगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल आगे मूव करता रहेगा समय में, समय में जैसे पार्टिकल आगे आगे मूव करता जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ती जा रही है. तो ये ग्राफ कैसे का है? स्पीडिंग अप का ग्राफ है. किसका ग्राफ है? स्पीडिंग अप का ग्राफ है. ठीक, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है? बढ़ती चली जा रही है. ठीक है, तो कुछ और तरीके के क्वेश्चन देखेंगे हम, कुछ छोटे छोटे सवाल बनते हैं इस पे, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं. मैंने बोला ये कितने का है? 10 मीटर का रेडियस है सर्कल का. मैंने बोला यहाँ से पार्टिकल चालू होता है एट टाइम टी बराबर जीरो से. ठीक है, अब कोई मुझसे बोलेगा, एक क्वेश्चन और दिया है, इसमें बोला है कि दिस पार्टिकल पार्टिकल ठीक है कंप्लीट्स कंप्लीट्स वन सर्कल इन 60 सेकेंड्स. 60 सेकेंड में क्या है? एक चक्कर घूम लेता है. ठीक है, तो बताओ एवरेज एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड्स में एवरेज स्पीड बतानी है पार्टिकल की. ठीक, मैंने बोला 30 सेकेंड में पार्टिकल कहां से कहां पे, 60 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेता है. तो मैंने बोला अगर यूनिफॉर्मली चल रहा है तो मैंने बोला 30 सेकेंड्स में कैसे होगा? मैंने बोला आधे में आ जाएगा. कहां तक आ जाएगा? मैंने बोला यहां तक आ गया होगा पार्टिकल. ठीक है, तो अभी आपको एवरेज स्पीड निकालनी है. तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस चाहिए आपको और टोटल टाइम तो आपको दे ही रखा है. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालिएगा? तो आपने बोला ये वाला जो पाथ है जिसपे पार्टिकल चला है यही आपको निकालना पड़ेगा, यही आपके डिस्टेंस के बराबर है. कैसे निकलेगा? मैंने बोला रेडियस टोटल सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2πr. 2πr का आधा कर दो कितना हो जाएगा? ये लेंथ πr के बराबर होगा. तो कितना हो जाएगा आपका डिस्टेंस? πr अपॉन में टोटल टाइम कितना आपका? 30 सेकेंड्स. पाई कितना है यहाँ पे? पाई तो पाई है. आर कितना है आपका? 10 अपॉन में 30. ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले एवरेज वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी बता दो, आप बोलेंगे टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मैंने बोला यहां पे था इनिशियली और पहुंच गया यहां पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट पाथ, ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ दोनों के बीच का. क्या करोगे अभी? 10 + 10 / 30. आ रही है बात में? अभी ये लेंथ ऑफ द पाथ से कोई मतलब नहीं रह गया, अभी हम डिस्प्लेसमेंट से खेल रहे हैं. तो हम इनिशियल और फाइनल पोजिशन को देखेंगे और काम कर देंगे. आ जाती है बात समझ में? नहीं आती है तो देखो. ठीक, एक सवाल और लेंगे हम. लिखा है अ पार्टिकल मूव्स 30 मीटर ईस्ट देन टर्न्स लेफ्ट एंड मूव 40 मीटर
देन क्लाइम्स, देन क्लाइम्स अ रोप अप टू 120 meter. ठीक है, क्या बोला? फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल या फिर बॉय जो भी है. कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है, तो पहले बना के देखेंगे हम कि क्या हुआ है. यहाँ पे हमने बोला पार्टिकल मूव्स 30 meter ईस्ट. ईस्ट किधर? इस तरफ. तो मैंने बोला कैसे चला 30 meter, दूसरे पेन से बनाते हैं तो थोड़ा तमीज का दिखेगा. मैंने बोला 30 meter चला ऐसे, ठीक, आए में, ठीक. अभी क्या बोला? अभी बोला है 40 meter देन टर्न्स लेफ्ट. लेफ्ट किधर है? इधर. ऐसे में चलूंगी तो मेरा लेफ्ट किस साइड आएगा? इसी साइड आएगा. तो मैंने बोला किसकी साइड? वाई एक्सिस की साइड. कितना आया आपका? 40 meter. 40 meter ना, हाँ 40 meter. किस में चला ये? ये आपके वाई एक्सिस में चला, ठीक है. उसके बाद क्या करता है? क्लाइम्स अप अ रोप. उसके बाद ये क्या चल रहा है? ऐसे रोप ऊपर होगी तो उसको चढ़ा. चढ़ा कैसे चला ये? अभी प्लेन के बाहर कौन सी एक्सिस है आपकी? जेड एक्सिस. कितना चला उस रोप पे? आपने बोला 120 meter चला. तो मैंने बोला पहले तो एक्स एक्सिस में चला कितना? 30. फिर वाई एक्सिस में चला 40. उसके बाद जेड में कितना चला? 120. तो एक्स में कितना चला? एक्स में चला 30, वाई में कितना चला? 40, और जेड में कितना चला? 120. तो डिस्प्लेसमेंट बताओ इन वेक्टर फॉर्म. कैसे बताएंगे? आप बोलोगे 30 आई कैप, ठीक है, प्लस ऑफ 40 जे कैप, ठीक है, प्लस ऑफ 120 के कैप. ठीक, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो कैसे बताओगे? अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस ऑफ 120 का स्क्वायर. आती है बात समझ में? मीटर वीटर जो भी डालना है डाल देना, ठीक. देख लो, ठीक. आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं बेसिक्स पे. लिखा है अ पार्टिकल, अ पार्टिकल, अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम, ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी. लिखा है हाफ ऑफ द जर्नी, जे ओ यू आर एन ई वाई, जर्नी टाइम. इट मूव्स, इट मूव्स विथ अ स्पीड, विथ अ स्पीड वी वन. एंड अदर हाफ, एंड अदर हाफ विथ वी टू. ठीक है, आपको बोलना है फाइंड एवरेज स्पीड. फाइंड एवरेज, ए वी ई आर ए जी ई, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल. कैसे निकालेंगे आप बताइए? क्या बोला है पहले तो क्वेश्चन समझेंगे. लिखा है आप पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ठीक, ये ए है ये बी है, ऐसे ट्रेवल करता है इनके बीच में. हाफ ऑफ द जर्नी टाइम इट ट्रेवल्स विथ अ स्पीड वी वन. अच्छा, आधे जर्नी टाइम मतलब अगर टोटल जर्नी टाइम है आपका, टोटल जर्नी टाइम, टोटल जर्नी का जो समय है वो आपको कितना बोला है? मैंने बोला मान लीजिए वो टी है, तो मैंने बोला टी बाय टू. किससे ट्रेवल किया है इसने? बोला है वी वन से. और क्या बोला है कि एंड दी अदर हाफ विथ वी टू. और टी बाय टू जो कि बचा हुआ है वो किससे ट्रेवल किया है इसने? वी टू से ट्रेवल किया. ठीक है, अभी बोला है एवरेज स्पीड बताओ. तो हमने बोला ठीक है बता देंगे. हमने बोला एवरेज स्पीड हमें पता है कि क्या होती है. आपने बोला टोटल डिस्टेंस. मैम ये 10 बार लिखाने का मतलब यही है कि ध्यान हो जाए. टोटल टाइम, डिस्टेंस चाहिए. टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा दोनों के बीच में? मैंने बोला स्पीड दिया है, टाइम दिया है, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इंटू टाइम. तो वी वन टी बाय टू पहले का डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना बचा? ये वाला आपका वी टू टी बाय टू. ये तो आपका आ गया टोटल डिस्टेंस. ठीक, यहां का डिस्टेंस प्लस यहां का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी अपॉन में टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टी के बराबर आ जाएगा. आ जाती है बात समझ में? आ जाती है. यहां से इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? वी वन प्लस वी टू बाय टू के बराबर. ठीक है, तो यहां से ये हमारा आ जाता है. क्या आता है हमारा? वी वन प्लस वी टू बाय टू.
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है? आसान सा सवाल है, ठीक है? यदि इस सवाल में अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, क्या चेंज करूं? मैंने बोला अ पार्टिकल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक? हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स विथ स्पीड वी वन एंड अदर हाफ विथ वी टू, ठीक है? अभी फाइंड एवरेज स्पीड, अभी कैसे निकालोगे? तो सेम तरीके का प्रोसेस है जैसे हम पीछे कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? मैंने बोला दो पोजीशन है, ए से बी, मैंने बोला इसको दो भाग में डिवाइड करो। मैंने बोला ये अगर x है तो ये भी x है, टोटल डिस्टेंस कितना है x प्लस x, ठीक है? 2x मैंने डिस्टेंस माना है टोटल, तो मैंने उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया x और x, ठीक है? तो मैंने बोला x वाला जो डिस्टेंस है वो किससे ट्रेवल करता है, v1 से ट्रेवल करता है, और x दूसरे वाला पार्ट किससे ट्रेवल करता है, v2 से ट्रेवल करता है। तो एवरेज स्पीड बोला है तो मैंने बोला टोटल डिस्टेंस चाहिए पहले, तो टोटल डिस्टेंस तो 2x हो जाएगा अपॉन में टोटल टाइम कैसे निकालोगे? मैंने बोला यहां वाला टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड v1, यहां का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड टाइम ही तो होता है, और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड फिर से टाइम निकलेगा, तो x अपॉन में v2 का कितना आया आपका यहां से, ये आया आपका 2 अपॉन में 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2v1v2 अपॉन में v1 प्लस ऑफ v2, ठीक है? सवाल आते हैं इस पे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है ये, ठीक है? करने को ठीक है, आसान है, कुछ नहीं है। जो अगर हमें फॉर्मूला पता है, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, कोई नया चीज नहीं कर रहे हैं, देख लीजिए आप, ठीक है भैया? आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ फंक्शन बेस्ड सवाल भी आते हैं आपके, उन्हें कैसे किया जाता है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है? यदि आपको दिया है फंक्शन x का, कैसे x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6, जहाँ पे t आपका किस में है, सेकेंड्स में है, और x किस में है आपका, मीटर में है, ठीक? अब पहला सवाल कोई आपसे यहाँ से करेगा, क्या कर सकता है, मतलब कि क्या, कि इनिशियल पोजिशन बताइए पार्टिकल की, इनिशियल पोजीशन बताओ भैया पार्टिकल की। इनिशियल पोजीशन मतलब टाइम टी बराबर जीरो पे कोई पोजीशन पूछ रहा होगा, ये लिख के नहीं देगा, कितना लिख के देगा, ये लिख के देगा क्या कि इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन मतलब टी बराबर जीरो की पोजीशन, ये आपको दिमाग में आ जानी चाहिए उस समय। तो आप क्या करोगे, टी को जीरो पुट करोगे, तो एक्स एट टी बराबर जीरो कितना हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस सिक्स कितना आ जाएगा, 6 मीटर पे खड़ा है पार्टिकल इनिशियल, ठीक? दूसरा पूछता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अप टू टी बराबर 2 सेकेंड्स तक। 2 सेकेंड्स तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताना है इनिशियल पोजीशन पे जहां खड़ा था, और टाइम टी बराबर 2 सेकेंड्स पे जिस पोजीशन पे आ गया, दोनों के बीच की क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो मैंने बोला x एट टाइम t बराबर 6 सेकेंड्स पे जो निकलेगा, t बराबर 6 सेकेंड पे पार्टिकल जहां खड़ा होगा उसमें से कितना माइनस कर दोगे, कि t बराबर 0 सेकेंड पे पार्टिकल कहां पे खड़ा था। कैसे क्यों किया मैंने ये, मैंने बोला यहां पे सबसे पहले तो पार्टिकल जीरो से चलना चालू नहीं हुआ है, किससे चलना चालू हुआ है, 6 मीटर से चलना चालू हुआ है, ठीक है? ये t बराबर 0 पे यहां पे खड़ा था, ठीक है? यहां पे आप आए t बराबर 2 सेकेंड्स पे किसी भी पोजीशन, मान लीजिए 8 मीटर पे आए, ठीक? अगर आप सिर्फ x एट t बराबर 2 लिख के दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 मीटर। आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट आपकी 8 मीटर की है, लेकिन ये नहीं है, ये आपकी पोजीशन है एट t बराबर 2 सेकेंड्स पे। डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होगी, कि आपने स्टार्ट कहां से किया है, यहां से स्टार्ट किया आपने, और कहां तक पहुंचे, यहां तक पहुंचे, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये आपकी क्या कहलाएगी,
डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। पोजीशन की बात नहीं हो रही, पोजीशन कोई आपसे पूछेगा सी में कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 2 सेकेंड्स, पोजीशन पूछ लिया तो एक्स एट टी बराबर 6 सेकेंड ही लिख के छोड़ दो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है यहां पे, ठीक। अभी कोई आपसे बोले कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 3 सेकेंड्स पे, ठीक। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है हमें टी बराबर 3 सेकेंड्स पे। किसी क्षण पे वेलोसिटी की बात की है, तो कैसी वेलोसिटी की बात हो रही है यहां पे, कैसी वेलोसिटी की बात हो रही है यहां पे, बात हो रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। कैसी वेलोसिटी की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, वो dx अपॉन dt के बराबर होता है। ds बोलो या dx बोलो कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्या होगा dx अपॉन dt, क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट करोगे, वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड्स पे लाने के लिए क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे पहले इसको, क्या हो जाएगा ये आपका वेलोसिटी का फंक्शन निकालो 2t प्लस ऑफ 5, अभी इसमें पुट करो कितना 3 सेकेंड, 2 × 3 प्लस ऑफ 5। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट टी बराबर 3 सेकेंड्स कोई पूछ ले तो कैसा एक्सेलरेशन है, किसी क्षण पे एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है यहां पे, एट लगा दिया क्षण आ गया, टी बराबर 3 सेकेंड्स पे पूछा क्या बोलोगे, आपने बोला वेलोसिटी का फंक्शन दिया था इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका डीवी बाय डीटी होता है, ये एक बार और डिफरेंशिएट आएगा कितना होगा आपका 2, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और देखिए कैसे सवाल इससे बनते हैं, अब कोई आपसे पूछ ले एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल बिटवीन टी बराबर 2 सेकेंड्स टू टी बराबर 5 सेकेंड्स तक, ठीक है, कैसे निकालोगे। मैंने बोला एवरेज स्पीड जब भी पूछेगा तो बोलोगे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम चाहिए आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मैंने बोला पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 5 सेकेंड्स, मैंने बोला एक्स एट टी बराबर 5 सेकेंड्स में जहां पे खड़ा होगा उससे माइनस क्या कर देंगे हम एक्स एट टी बराबर 2 सेकेंड्स, तो मैंने बोला दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी, निकल आएगी ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आएगी आपको। मैंने बोला दोनों के बीच का टाइम 2 से लेकर 5 तक का बताना है, तो 2 से लेकर 5 तक की दूरी निकाल लेंगे हम, यहाँ की x बराबर 5 पे निकालना, x बराबर 2 पे निकालना, दोनों को माइनस कर देना अपॉन में टोटल टाइम, तो आप बता दोगे 2 से 5 में कितना टाइम हो जाएगा, आप बोलोगे 3 सेकेंड्स का, ठीक। ये कोई दिक्कत की बात है आपके लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन को कोई पूछ ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर लेंगे उसी तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके कुछ फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं जिनको करने में कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। आप डिफरेंशिएट करना आपको सिखाया है मैंने, इंटीग्रेट करना आपको सिखाया है, फंक्शंस को करिए आप निकाल लीजिए, बस ध्यान ये दीजिएगा कि क्या आपको पूछ रहा है, आपको पोजीशन पूछ रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, आपको डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। जो टर्म यहाँ पे यूज किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर वो आप नहीं समझ पाएंगे आप तो गलती करना बिल्कुल निश्चिंत है आपका, ठीक है। तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, आज हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ाया है काइनेमेटिक्स का, आराम से इसके ऊपर क्वेश्चंस लगा के देखिए आप, ठीक है। तो चलिए फिर।